अगर दोस्तों आपका भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और दोस्तों आप लोग अपने आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग में आप लोग लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग इसका जो एम पिन होता है आप लोग उसको भूल गए हैं, तो आप लोग कैसे पता कर पाएंगे इसका एम पिन और दोस्तों आप लोग अपने आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन हो पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ करके दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं अपने एम पिन यहाँ पे भूल चुका हूँ और दोस्तों मैं अपने एम पिन यहाँ पे डाल रहा हूँ। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, एम पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना, चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता हूँ आपको। दोस्तों सिंपली ऐसे वैक आना है, वैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब ओपन करते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका एम पिन पूछेगा, बट दोस्तों आपका यहाँ पे एम पिन तो आप लोग भूल गए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फारगेट एम पिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इसका इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज आएगा। देन गाइस यहाँ पे पूछेगा आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पे कस्टमर आई डी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर होगा आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। देन गाइस आपको यहाँ पे अपना कस्टमर आई डी डालना है और दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे आपको तीनों फिलअप कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से ही पड़ा जाएगा, आपको अपने अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर आई डी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ हम कैसे पता करेंगे जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई डिटेल है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जब आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवाने गए होंगे तो आपको यहाँ पे एक कार्ड मिला होगा इस प्रकार से, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करके इस प्रकार से एक पासबुक मिला होगा आपका। इसी पासबुक में आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी रहता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर है, कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, कस्टमर आईडी डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, आपको भी इतना डालना। डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने सबको डाल दिया, आपको भी यहाँ पे सबको डाल देना, अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इतना डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपके सामने पे जैसे आप लोग सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे आपके सामने पे रजिस्टर का ऑप्शन देगा, आप देखेगा आपको रजिस्टर पर लिखना है। देन गाइस आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखेगा न्यू एम पिन और यहाँ पे री एंटर एम पिन। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एक नया एम पिन आपको बनाना है, जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अपना एक एम पिन यहाँ पे चार अंक का बनाऊंगा। बनाने के बाद यहाँ पे री एंटर एम पिन यानी कि फिर से मैं वही एम पिन यहाँ पे कन्फर्म करूंगा, आपको भी कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके सामने आप इसका सेंटर आएगा, आपको एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके सामने आप सेट एम पिन का ऑप्शन देगा, आपको इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है व्हाट इज योर, यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो अपना पहली बार आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप बना रहे थे तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसी में से एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अपने फेवरेट टीचर का नाम आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपको फेवरेट टीचर रहेंगे आपको यहाँ पे उनका नाम डालना है। जो नाम आप लोग पहले डाले थे वही नाम आपको यहाँ पर डालना है, जब आप लोग बना रहे थे जो नाम डाले थे वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। चलिए मैं डालता हूँ, आपको यहाँ पर डाल देना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट टीचर का नाम डाल दिया, जो मैंने पहले डाला था, आप लोगों को भी यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद दोस्तों आपको एक बार वैक आना है। वैक आने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज आएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज ओपन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा और दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे एक ओटीपी आएगा और आपका ओटीपी जब आएगा तो इसमें ऑटोमेटिक आके वेरीफाई भी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए ओटीपी आके वेरीफाई हो गया है। जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई होगा आपको यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन देगा, आपको लॉग इन पर क्लिक करना। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एमपिन जो है यहाँ पे फारगेट हो चुका है। अब दोस्तों आप लोग जो अपना न्यू एमपिन बनाया है वही आपका एमपिन हो गया। आप लोग यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे न्यू एमपिन अपना डालूंगा। डालने के बाद यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन गाइस यहाँ पे मैं सब कुछ कर पाऊंगा, यहाँ पे हमारा जो है प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो चुका है। यहाँ पे 100% मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरे बैंक का पैसा वगैरह सबको दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।